हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिभा कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वी फ्लुएंसी का। एक आपका क्वेश्चन आता है, ये आता ही आता है, या तो FIR आती है या RTI आता है कि RTI एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या है, मतलब RTI आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर RTI का जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जो RTI हम लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। तो आप फॉर्मेट आज आप देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में किसी के लिए भी अगर RTI फाइल करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है, नेम चेंज करो, सेम लिख दो और आपका काम हो जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। तो आज की वीडियो BA प्रोग्राम BCOM दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों में ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और इंग्लिश बी फ्लुएंसी के अंदर पूछा जाता है, और अदर कोई भी इंग्लिश इसमें RTI आता है, RTI एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो दो फॉर्मेट में आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखना है टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का, वो आपके में मेंशन होगा क्वेश्चन पेपर में। फिर लिखना है सर आई रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आई सर ऐसे, फिर आप श्रीमती MS जो भी आपको सन डॉटर वाइफ जो भी लिख सकते हो श्रीमती। ठीक है, रेजिडेंट लिखना है, उसके बाद टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर लिखना है। ये फॉर्मेट आप देख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मेट मैं शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अपना जो भी RTI आप किस लिए फाइल कर रहे हो, जो RTI आप फाइल कर रहे हो किस लिए फाइल कर रहे हो, वो सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है आप अपने हिसाब से। वो क्वेश्चन पेपर पर सब्जेक्ट मेंशन रहता है। उसके बाद नीचे लिखना आई हेयर बाई इन्फॉर्म द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज वी कम्प्लीटेड बाई मी, जैसे कि ये फॉर्मेलिटीज़ हो गया, जैसे कि आई डिपॉजिट जो भी फीस है आपकी वो फीस डाल देना। ठीक है, क्योंकि फीस लगती है RTI के लिए, फ्री नहीं होता कुछ भी। तो चार्जेस जैसे CED, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर CED फॉर्मेट में चाहिए तो सारा लिख के देन उसके बाद फिर ये BPL जो भी आप डाल के वैलिड सर्टिफिकेट प्रूफ क्या लगा रहे हो। ठीक है, ये सर आप लिखना है, प्रूफ कुछ नहीं लगाना, लिखना है। ठीक है, फिर सिग्नेचर करने अपने डेट डालनी है सिंपल। ठीक है, तो फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट भी आप दूसरा दिखा देता हूँ आपको। एक ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे भी आप लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 प्लेस डेट टू द स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट PIO APIO। ठीक है, द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट ये देख लीजिए। सब्जेक्ट मैटर क्या मैटर है आपका, किस लिए आप RTI फाइल कर रहे हो, बाकी ये सारा ऐसे ही चपेट देना। ठीक है, तो देन ये सारा यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया था, सिग्नेचर नेम, देन आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे आपका पूरा फॉर्मेट है, देख लीजिए पूरा फॉर्मेट है ये। ठीक है, तो RTI एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये। तो बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।